नमस्कार दोस्तों, कुकिंग विद शिखा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मलाई कोफ्ते की रेसिपी। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, मलाई या क्रीम भी यूज कर सकते हैं, अरारोट, ड्राई फ्रूट्स, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च कटी हुई और बॉईल किए हुए आलू, प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट। आइए अब हम अपने आलूओं को मैश कर लेते हैं। ये हम धीरे धीरे करके अपने सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अरारोट पाउडर मिलाते हैं, इससे हमारी बाइंडिंग अच्छी होगी और कोफ्ते काफी क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपको लगे कि अरारोट पाउडर कम है तो आप और भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आलू मैश होते टाइम बस बर्तन में ना चिपकें, तो समझिए कि आपके अरारोट काफी है। अब हम इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक यूज करेंगे और अब इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। हम इसमें अरारोट इसलिए यूज करते हैं जिससे कि ये तलते टाइम फैले नहीं। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे अपने हैंड वॉश करके और अब इन्हें गोल गोल बना लें। इन्हें अच्छे से गोल कर लें और बीच में अंगूठा लगा के जगह बना लें। अब हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे, हम उसमें से ड्राई फ्रूट्स और मलाई इसमें यूज करेंगे। मैं मलाई लगा रही हूँ और अब मैंने ड्राई फ्रूट्स यूज किया है। मलाई हमको ज्यादा यूज नहीं करनी क्योंकि हम ज्यादा यूज करेंगे तो तलते टाइम ये कढ़ाई में फैल जाएंगे, तो हमारे आलू कोफ्ते बन नहीं पाएंगे, अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। अब हम इसे चिकना होने तक गोल राउंड कर लें। ये देखिए, ये अब तैयार हो चुका है। ये मैंने प्लेट में रख लिया। अब इसी तरह मैं दूसरा कोफ्ता तैयार करूंगी और इसी तरह हम अपने आलूओं से जितने भी कोफ्ते बनेंगे उस तरह से कोफ्ते तैयार करेंगे। देखिए, मैं इसमें थोड़ी क्रीम लगा रही हूँ, आप भी इसमें थोड़ी क्रीम यूज करिएगा और चिकने ना हो तब तक गोल गोल करके इनके कोफ्ते तैयार कीजिए। अब मैंने अपने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं और इधर गैस पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ये तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें कोफ्ते धीरे धीरे करके डालूंगी और हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, ध्यान से डालिएगा। अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें डीप फ्राई करेंगे और धीरे धीरे ध्यान से इन्हें हिलाते रहेंगे। देखिए, अब हमारे कोफ्ते ब्राउन कलर के हो चुके हैं। ये डीप फ्राई हो गए हैं और देखिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन दिख रहे हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे आराम से निकालिएगा जिससे कोफ्ते फूट ना जाएं।
अब हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ये हमने घी रखा है, आप चाहे तो तेल भी यूज कर सकते हैं। जीरा डाल दिया हमने, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। अब इन्हें चलाएंगे और ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए, अब ब्राउन होने लग गए हमारे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और हमारा जीरा भी गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने प्याज की प्यूरी बनाई है उसे यूज करेंगे। इसमें हमने 4 प्याज की प्यूरी बनाई है। आप ग्रेवी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 4 की जगह अधिक प्याज भी यूज कर सकते हैं। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे अच्छे से। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर रखा है। इसे फुल ना करें क्योंकि प्याज गोल्डन नहीं होंगी, हमारी प्याज जल जाएंगी, इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। इसे धीरे धीरे चलाते रहिए। ये देखिए, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और अच्छे से इन्हें मैश करेंगे। अब हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब हमने इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड की है। ये हमने 3 टमाटर की प्यूरी ली है, 3 बड़े टमाटर थे। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, अब हमारे सारे मसाले मिल चुके हैं। अब हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। अब हम इसे भी साथ में मिला लेंगे। आप चाहें तो साबुत गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला यूज किया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है। कई बार हम इसमें दही भी यूज करते हैं, अगर आप अमचूर पाउडर अवॉइड करना चाहते हैं। ये देखिए, अब हमारी टमाटर प्यूरी तैयार हो गई है। अब हम इसमें क्रीम का यूज कर रहे हैं। मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी। ये देखिए, हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी। इसका रंग बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसे अच्छे से मैश कर देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर चलाएंगे जिसे अच्छे से पक जाए। मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी यूज कर सकते हैं, जिससे ये ज्यादा पतली भी ना हो और ज्यादा गाढ़ी भी ना रहे। ये देखिए, अब हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम अपने कोफ्ते इसके अंदर ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रहने दें। हम इसे सर्व खाते टाइम भी सर्व कर सकते हैं। बाउल में कोफ्ते रखकर और ऊपर से ग्रेवी डालकर भी सर्व किया जा सकता है, और आप चाहें तो इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने अपने सारे कोफ्ते ग्रेवी में डाल दिए हैं। अब इन्हें अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती और हरी मिर्च का यूज करेंगे।
ये हमने धनिया पत्ती डाल दी है। अब हम एक बाउल में इनकी गार्निशिंग करेंगे, उसमें धनिया पत्ती और हरी मिर्च और थोड़ी सी मलाई डालकर इन्हें सर्व करेंगे। ये हमारे मलाई कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। Tell me that you love me, even if it's